हेलो एंड वेलकम रितु तोमर, हाजिर हूँ आप सभी के सामने एंटरटेनमेंट न्यूज़ के साथ। बात करेंगे यहाँ पर अमिताभ बच्चन को लेकर। दरअसल अमिताभ बच्चन के किसी रिश्तेदार का फोन खो गया, वो भी 1.5 लाख का, लेकिन वहीं किसी ईमानदार आदमी ने उसे लौटा दिया। पूरा मामला क्या है वो सुनिए। जाहिर है कि मुंबई में उनकी दिन भर की कमाई 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि कोहली की जिंदगी की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसों की कमी होती है। लेकिन एक लम्हा ऐसा आया कि उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपये की कीमत का फ़ोन पाया। इसे पाकर उनका ईमान नहीं डगमगाया, उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस को वह फोन लौटाया। जब पुलिस ने पता लगाया तो महानायक अमिताभ बच्चन के बेहद करीबी दीपक सावंत का वो फोन निकला। मुंबई के दादर स्टेशन पर काम करने वाले कुली दशरथ दौन, जिनकी उम्र 62 है और उनकी ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। दीपक सावंत अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट हैं और वे भोजपुरी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी हैं। उन्होंने गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी जैसी फिल्में बनाई हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन ने भी काम किया है। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन ने भी काम किया है। उनका मोबाइल फोन सोमवार को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की सीट पर छूट गया था। रात 11:40 की अमृतसर की ओर जाने वाली ट्रेन पर सवारी का सामान पहुंचाकर जब दशरथ दौंड लौट रहे थे तो उन्हें प्लेटफॉर्म के किनारे एक सीट पर ये फोन पड़ा हुआ मिला। उन्होंने आसपास बैठे लोगों से पूछा कि ये फोन आखिर किसका है, तो उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब उन वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने मना कर दिया कि वो फोन किसी का भी नहीं है, ना ही उनको जानकारी कि आखिर फोन किसका है, तो उसके बाद जो दशरथ है उन्होंने ये फोन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि GRP चौकी में जाकर इसको लौटा दिया। इसके बाद दशरथ सोने चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें पुलिस चौकी से फोन आया और कहा गया कि फोन के मालिक का पता चल गया है। दशरथ को पुलिस चौकी में बुलाया गया। जब दशरथ पुलिस चौकी में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी उनके मेकअप आर्टिस्ट करीबी मैं यूँ कह रही हूँ क्योंकि वो उनके ना सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं बल्कि उनकी कई फिल्मों में दीपक सावंत जो कि भोजपुरी निर्देशक भी हैं उनकी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने काम भी किया है, तो दीपक सावंत का है। ईमानदारी अनमोल होती है और इसे किसी भी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता है। अमिताभ के मेकअप आर्टिस्ट और भोजपुरी फिल्म के निर्माता दीपक सावंत ने तहे दिल से दशरथ दौन को शुक्रिया कहा और उन्हें इस ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर 1,000 रुपये भी दिए। कहानी आपको कैसे लगी? और वाकई में आज के दौर में ईमानदार लोग ढूंढना, खासकर जब किसी को कोई चीज़ पाई जाती है तो ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो लौटा देगा, तो ऐसे में इस तरह के जब ईमानदार लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए मन में इज्जत अपने आप ही आ जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस स्टोरी के बारे में। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।